जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ऐसी कई समस्याएं होती हैं जो विशेष तौर पे हमारे चेहरे पर दिखाई देने लगती है। इनमें से दो मुख्य समस्याएं हैं जिनमें से एक है सैगिंग और दूसरा वॉल्यूम का नुकसान, साथ ही माथे और आँखों के किनारे झुर्रियाँ दिखाई देना जो चेहरे को थका हुआ लुक देती है। हर किसी व्यक्ति के स्किन का वॉल्यूम एजिंग के साथ कम हो जाता है और इससे चेहरा टेढ़ा होने लगता है। आइए जानते हैं कि ऐसे सिचुएशन में आप कैसे अपने फेस को ठीक कर सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो वॉल्यूम को वापस लाने के लिए या तो HA फिलर्स हैं जो कि एक जेल जैसा पदार्थ है, ये हमारा अपना फैट है। ये HA फिलर 10 से 12 महीने तक चलते हैं, धीरे धीरे ये शरीर में घुल जाते हैं, फिर से करने की आवश्यकता होती है। इस फिलर्स के कारण फैट कम से कम 3-4 साल तक रहते हैं और त्वचा की बनावट को बहुत अच्छा सुधार देती हैं। सैगिंग को कैसे सुधारा जा सकता है? उम्र बढ़ने के साथ साथ सैगिंग होती है, यानी कि चेहरा लटक जाता है क्योंकि टिश्यू अपना टोन खो देती है। सैगिंग का एक निरंतर प्रक्रिया होती है जो 30 साल की उम्र से शुरू हो जाती है और उम्र के साथ बढ़ती जाती है। सैगिंग को ठीक करने के लिए आपको अपने स्किन डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा और साथ ही अपनी डाइट और खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।